मंगल में वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हे सयानी सतत केवल ज्ञान पाने पूजो है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी इसलिए एक साथ मिल बैठकर यहां कुछ विचार करने आए हैं कि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। हम इस विश्वास से भर करके यहां बैठे हैं कि हमारे अपने जीवन को अच्छे बनाने की जिम्मेदारी अगर हमारी है तो उस जिम्मेदारी को हम पूरी तरह से निर्वाह करेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। जो जीवन हमें मिला है उसे और कैसे बेहतर ढंग से जिया जाए, यदि इस बात पर विचार करें तो हमें स्वयं लगने लगेंगे कि हाँ सचमुच हम अपनी अज्ञानतावश अपनी नासमझी से अपने जीवन को जिस किसी तरह भी जी रहे हैं, हम चाहें तो अपने जीवन को और अच्छे ढंग से जी सकते हैं। पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज दोनों ही हैं, संभावनाएं हैं और योग्यता भी है, लेकिन अपने जीवन की अनंत संभावनाओं को अपनी योग्यता को उद्घाटित करने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं। हम लोगों में शामिल हों जो अपनी योग्यता और योग्यता को एक बेहतर रूप देने की संभावना को उद्घाटित कर लेते हैं। हमें कोई और जीवन मिलेगा, हमें कोई और जगह मिलेगी तो हम अपने जीवन को अच्छा बनाने की शुरुआत करेंगे, ये विचार ठीक नहीं है। हमें जो मिला है, हम जहां हैं वहां से हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने की शुरुआत करनी चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति के घर में एक बहुत पुराना बाजा रखा हुआ था, शायद वो सितार था, लेकिन उस घर में अब कोई सितार बजाने वाला नहीं था, कोई उस कला को जानता ही नहीं था, तो वो एक कोने में पड़ा रहता था। अब क्योंकि बाप पितामह और दादा परदादा के जमाने का वो सितार था, तो उसे सहसा फेंकने का मन भी नहीं होता था। कई बार इस बात पे विचार भी किया कि भाई जब कोई इसको जानता नहीं है तो इसे अलग कर देना चाहिए, पर पुरानी चीज है ऐसा सोच करके रखे रहने देते थे। उससे मुश्किलें बहुत थी, रात में
चूहा कूद गया, बिल्ली कूद गई, तो वो सितार की इतनी तेज आवाज आ जाती थी कि लोगों की नींद उचट जाती थी। तो एक दिन सबने मिलकर के और ये तय किया कि भाई अब इसको अलग कर दें, ये सब हमारे जीवन में मुश्किल पैदा करने वाली चीज है। और सबने एक दिन मुंह अंधेरे सुबह सुबह और वो सितार उठा करके घर के बाहर कचरे घर में डाल दिया। अचानक दोपहर को जिस गली में उस व्यक्ति का मकान था, उस गली में किसी को बहुत अच्छा गाते और सितार बजाते सुनकर के सबने अपने बालकनी में से खड़े होकर नीचे झांक कर देखा, देखा कि कोई एक भिखारी और हाथ में सितार लिए हुए बहुत अच्छा बजा रहा है और साथ में गा भी रहा है। होगा कोई, लेकिन बच्चों का ध्यान चला गया कि माँ ये तो जो सितार हमने सुबह वो कचरा घर में फेंक दिया था वही लग रहा है, जाओ नीचे जाकर के पास से देख के आओ। तो बच्चे नीचे आकर के पास से देख के और कंफर्म कर लेते हैं कि वही सितार है जो अपन ने फेंका था। ऊपर जाकर के कहते हैं कि अपना ही सितार है वो। अब घर के सारे लोग इकट्ठे हो गए और उस भिखारी को घेर लिया। मोहल्ले वालों से भी कहा कि आप सबको तो याद होगा हमारे घर में ये सितार रखा रहता था, हमारा ही है ये। भिखारी से कहा कि लाओ वापस हमारा सितार, इतना अच्छा बजता है, हमें तो मालूम ही नहीं था, लौटाओ। भिखारी ने कहा कि हम लौटा सकते हैं आपको, लेकिन आपने क्या जान करके फेंका था? आपने तो ये जान करके फेंका था कि ये व्यर्थ है, आपने तो कभी इसके तार संभाले ही नहीं और कभी इस पर कोई संगीत भी बजाया जा सकता है ये आपने सोचा ही नहीं था। और जब आपने ऐसा नहीं सोचा था तो आपके लिए तो ये व्यर्थ ही है, अब आपका उस पर क्या अधिकार है? हमारे अपने जीवन पर भी हमारा तब तक अधिकार है जब तक हम अपनी सांसें संभाल करके उनसे अपने जीवन का संगीत निकाल लेते हैं, तब तक अधिकार है। वरना तो जीवन हमारा हमने मानो कचरे घर में व्यर्थ ही फेंक दिया है। जरा विचार करें हम कि क्या ऐसे ही हमें हमारे जीवन के सांसों के तार व्यवस्थित संभाल करके उस पर से कोई संगीत नहीं निकालना था, या उसे व्यर्थ ही हमें ऐसे गंवा देना चाहिए था? अब हमें लगता है कि नहीं, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी और जीवन को पाने की आवश्यकता नहीं है। जिसे मैं व्यर्थ समझ रहा हूं वो मेरी अज्ञानता है, मैं उसे संभालूं और मैं उस कला को सीखूं जिससे कि इसी जीवन में रह करके और मैं अपने जीवन के वास्तविक सुख का अनुभव कर सकता हूं, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए। हमें क्या क्या तो मिला है, हमें शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, हमें भावनाएं मिली हुई है, लेकिन अकेले शरीर के बलवान होने से किसी के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। बहुत लोग हैं जिनका शरीर बहुत बलिष्ठ है और बहुत सुंदर है, लेकिन इतने मात्र से किसी का व्यक्तित्व ऊंचा नहीं उठता। किसी की बुद्धि बहुत शार्प है, किसी की बुद्धि बहुत कुशाग्र है, अकेले बुद्धिमत्ता से भी किसी का व्यक्तित्व ऊंचा नहीं उठता। और ना ही इस संसार में लोकप्रिय हो जाने से किसी का व्यक्तित्व ऊंचा उठता है। तब फिर ऐसी क्या चीज है जिससे कि हमारा व्यक्तित्व बहुत ऊंचा हो सकता है? और कोई विशेष चीज नहीं है। शरीर बुद्धि और भावनाओं का अगर संतुलन हो तो ही हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व बहुत ऊंचा उठ सकता है। व्यक्तित्व के ऊंचा उठाने में इन तीनों चीजों का संतुलन होना अनिवार्य है। अपन सब जानते हैं कि अपने शरीर को बहुत बलिष्ठ और सुंदर बना लेने के बाद भी हमारी चेतना विकसित हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात
अकबर ने और एक दिन बीरबल से पूछ ली थी। बीरबल का रूप रंग उतना अच्छा नहीं था, दरबारी लोग सभी उनका अपमान करने के लिए हमेशा किसी न किसी अवसर की तलाश में रहा करते थे। तो एक दिन पूछ ही लिया अकबर ने कि बीरबल व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके रूप रंग से जाना जाता है, उसकी बुद्धिमत्ता या लोकप्रियता से जाना जाता है, या कुछ और है जिससे किसी का व्यक्तित्व जाना जाता है। बीरबल ने कहा कि समय आने पर बता दूंगा मैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि गर्मी के समय में राजा को प्यास लगी। बीरबल ने फौरन आदेश दिया कि महाराज को पानी पिलाया जाए। एक बहुत सुंदर सा सोने का घड़ा जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं लाया गया और उसमें से राजा साहब को पानी दिया गया। इतना गर्म पानी भरा तो सोने के कलश में है, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, लेकिन गर्मी के दिन में उसमें रखा हुआ पानी अत्यंत गर्म और पिया ही नहीं जा रहा। राजा ने कहा कि ये कैसा जल है? महाराज, जल तो जैसा है वैसा ही है, पहले देखिए तो कितना सुंदर घड़ा है, सोने का बना हुआ है, हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, इसका तो पानी अच्छा होना ही चाहिए। राजा ने कहा, नहीं बीरबल, ये तो पीने के योग भी नहीं है, दूसरा पानी ला। दूसरा पानी लेकर के आए, राजा ने पिया तो बहुत अच्छा लगा, ठंडा भी था, स्वादिष्ट था, सौंधी सौंधी गंध आ रही थी। राजा ने कहा कि ये जल तो बहुत अच्छा लगा, किस घड़े में से लाए? बीरबल ने कहा कि क्या देखना पसंद करेंगे आप? हाँ दिखाओ घड़े को। वो तो देखने लायक था ही नहीं, काले काले से रंग का था, मिट्टी का था, उसकी कोई खास कीमत भी नहीं थी। अच्छा तो इस घड़े से लाए हो ये पानी, लेकिन पानी तो इसका बस मीठा और बहुत ठंडा है, शीतलता देने वाला है। राजन, आपके प्रश्न का जवाब यही है, सोने का घड़ा कीमती भी है, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, सुंदर भी है, लेकिन उसमें भरा हुआ जल उपयोगी नहीं है। ऐसा जीवन जो कि बाहर से बहुत सुंदर दिखाई पड़ता हो, बहुत बलवान शरीर को धारण करने वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन उसके जीवन का किसी के लिए लाभ ना मिलता हो, तो उसकी वो सुंदरता और उसका वो बल उसके व्यक्तित्व को ऊंचा नहीं उठा सकता। उपयोगिता हमारे जीवन की, हमारे अपने कल्याण और दूसरे के कल्याण के लिए कितनी है, इससे मालूम पड़ेगा कि हमारा व्यक्तित्व कितना समृद्ध है। हमने अपने जीवन को क्या विकसित करने का, अपने जीवन से उपयोग लिया है? अपनी सांसों का उपयोग हमने अपने चेतना को विकसित करने और दूसरे के उपकार करने के लिए कभी लिया है? अगर हमने ऐसा किया है तो हमारा व्यक्तित्व बहुत ऊंचा उठ गया है, बहुत कीमती हो गया है। हम लोग वर्तमान में शरीर को बलिष्ठ बनाने या कि बुद्धि को बहुत शार्प बनाने इनमें तो लगे हुए हैं, या कि फिर अपनी भावनाओं को दूसरे के प्रति कलुषित बनाने में लगे हुए हैं। काश हम अपने शरीर और बुद्धि के साथ साथ अपनी भावनाओं का उपयोग अपने और दूसरे के कल्याण के लिए करें, तो ही हमारा व्यक्तित्व ऊंचा उठ सकता है। वो घटना सब जानते हैं, जब राजा के यहां एक कलाकार तीन एक जैसी मूर्तियां बेचने गया था और तीनों की अलग अलग कीमत देख करके राजा चकित रह गया था कि मूर्तियों की शेप, साइज, कलर, डेकोरेशन सब एक जैसा है, लेकिन इनकी वैल्यूज क्यों अलग अलग है? इनकी वैल्यूज अलग अलग होने का कारण क्या था? बहुत साफ कारण था, एक तार मूर्ति के कान में से डालने पर दूसरे कान से निकल जाता था,
दूसरी मूर्ति के कान में से डालने से मुंह में से बाहर निकलता था और तीसरे के कान में डालने पर उसके हृदय में प्रवेश कर जाता था। वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी? वैल्यू उसकी है जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो चीजें सुनता है उसे अपने हृदय में धारण कर लेता है। सुन करके निकाल देना, चाहे कान से निकाल देना, एक कान से सुन के दूसरे से, या सुन करके मुंह से निकाल देना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो है कि हम अपने जीवन के लिए जो चीजें अच्छी मानते हैं उन्हें हम अपने जीवन में स्वयं अपने आचरण में लाएं, तब अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए दूसरी चीज हो गई कि हम अपने जीवन को अपने और दूसरे के कल्याण के लिए उपयोग में लाएं और अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जो सचमुच अपने और दूसरे के उपयोग में आ सके। और तीसरी चीज, हम अंधानुकरण से बचें, हम अंधानुकरण ना करें। हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो दूसरे के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने अपना कल्याण किया, वे मुक्त हो गए, उनका मुक्त होना हमारे जीवन को प्रेरणा दे सकता है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी हमारी मुक्ति तो नहीं कर सकते। हमें चाह कर कि वे चाहें कि हमें मुक्त कर दें तो ऐसा तो नहीं कर सकते। हम अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुकरण ना करके हम उससे सिर्फ अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा लें। आज वर्तमान में अंधानुकरण, गतानुगतिकता जिसको कहते हैं संस्कृत में, जैसा देखते हैं अपन आज सभी क्षेत्रों में, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, सभी में यह जो देखा देखी वाली प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से बढ़ रही। हम अपना स्वविवेक भी नहीं लगाते अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए। भैया दूसरे के व्यक्तित्व की नकल नहीं की जा सकती, दूसरे के श्रेष्ठ व्यक्तित्व से अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने की प्रेरणा तो ली जा सकती है, मैं कहना यह चाह रहा हूं। और आज हम क्योंकि दूसरा ऐसा कर रहा है इसलिए हम भी ऐसा ही करेंगे, ये ऐसा कर रहा है इसलिए ये मैं भी ऐसा ही करूंगा, उनके घर में ये चीजें हैं इसलिए मेरे घर में भी ये होनी चाहिए, उनका बेटा क्योंकि कोटा में जाकर के और बंसल में कोचिंग ले रहा है तो मेरा बेटा भी जाना चाहिए, ये सब अंधानुकरण। मेरे अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए मुझे अपनी योग्यता, मेरी अपनी जो प्रोबेबिलिटी है और पॉसिबिलिटीज है मुझे उनको देखना चाहिए, सरकमस्टेंसेस क्या है और लोग किस दिशा में जा रहे हैं, मैं सिर्फ उस चीज को जानूं और अपनी उस क्षमता के अनुसार उस रास्ते पर अपने आप को भी ले जाऊं तो अपने जीवन का विकास हो सकता है। देखा देखी कितने दिन तक चलिएगा, दूसरे की वैशाखी लेकर कितने दिन चलिएगा, अपने पैर पर खड़े होना भी तो सीखना पड़ेगा। तो तीसरी चीज, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए हम जो अपने जीवन को अच्छा बना चुके हैं या बनाने में लगे हैं उनसे प्रेरणा लें और देखा देखी से बचें। और चौथी चीज, जब कहीं भी हमें अपने से कोई अधिक योग्य व्यक्ति दिखाई पड़े तो उससे ईर्ष्या न करें। हम उसके गुणों को सहन नहीं कर पाते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। जिस व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व ऊंचा उठाना है वो हमेशा दूसरे के श्रेष्ठ व्यक्तित्व की प्रशंसा ही करेगा, उससे ईर्ष्या नहीं करेगा, क्योंकि एवरी पर्सन इज यूनिक। यहां हर व्यक्ति अपने आप में बहुत इंडिविजुअल और बहुत कहना चाहिए अद्वितीय है। वी कॉन्ट कंपेयर, हम एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते। एक अगर किसी नाटक में कोई नायक है तो कोई विदूषक भी है, विदूषक नायक नहीं हो सकता, नायक विदूषक का काम नहीं कर सकता। विदूषक मतलब कॉमेडियन, तो जो कॉमेडियन है उसकी अपनी योग्यता है, ये कोई ना समझे कि उसकी इस नाटक में जरूरत नहीं है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। एक स्वीपर
जो कि सुबह से झाड़ू लगाता है या हमारे कमरे में झाड़ू पोछा करता है, उसकी भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी कि उस जगह बैठ करके साहबी करने वाले की कीमत। ये व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए हमारे अंदर विचार होना चाहिए। हम अपने को ना बहुत दीनहीन माने और ना अपने को बहुत ऊंचा माने। ये सुपरिटी और इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों से हमें मुक्त होना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा व्यक्तित्व ऊंचा उठेगा। या तो हम छोटे छोटे से कामों को करके अपने को बहुत दीनहीन मानते हैं, कह रहे हो मैं झाड़ू लगाने का काम करूं तो मैं बहुत छोटा हो जाऊंगा, मैंने तो बी किया और इलेक्ट्रॉनिक्स से किया और मैं एक जरा सी 2000 पट्टी की नौकरी करूं, नहीं मैं बनूंगा तो साहब बनूंगा। ये जो हमारा जो व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का जो ढंग है, वो ढंग हमें बदलना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने जीवन में जहां है वहां क्या बेहतर कर सकते हैं, तब जाकर के हमारा व्यक्तित्व ऊंचा उठ सकेगा। आज जो आने वाली पीढ़ी है उसके साथ यही मुश्किल है, वो अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए या तो दूसरे के देखा देखी और या फिर दूसरे से ईर्ष्या करके और अपने भीतर हीनता या उच्चता की ग्रंथि बना लेते हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी तो क्षमता ही नहीं है, वो देखो वो लोगों ने कितना कितना, वो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनसे तो बढ़िया से इंग्लिश बोलते आती, मेरे से तो कुछ आती नहीं, और अपने मन में भीतर भीतर और कॉन्फिडेंस अपना लूज कर लिया। अब हम अपने व्यक्तित्व को दीनहीन समझने लगे, या फिर मैं तो सबसे होशियार हूं, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से निकला हूं एजुकेशन करके, तुम सब क्या समझते हो, मैं तो बहुत होशियार हूं। ऐसे जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये जो हमारे भीतर अहंकार या दीनता आ जाती है, वो हमारे व्यक्तित्व को और हमारे जीवन को परिष्कृत करने में सबसे ज्यादा बाधक है। और ये इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। व्यक्ति को अपनी कमजोरियां मालूम होनी चाहिए, व्यक्ति को अपनी अच्छाइयां मालूम होनी चाहिए कि मेरे भीतर ये बहुत अच्छी चीज है, जो चीज मेरे अच्छी है उसका मुझे अहंकार नहीं करना है, उसे तो और डेवलप करना है मुझे, और जो चीज मेरे भीतर कमी है मुझे उस कमी को दूर करना है, उसके लिए उस कमी को लेकर के मुझे दीनहीन और अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना। ये जो बच्चों के सम्मान वाली बात आई है, मैं क्यों इस तरफ ज्यादा कंसंट्रेट करता हूं, मुझे हमेशा जब भी मैं देखता था बच्चे लोगों से पूछता हूं किस क्लास में पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर में हूं, बीएससी कर रहा हूं, ऐसा पूछता हूं तो बताते हैं अच्छा तो फिर आपने ट्वेल्थ किया, ट्वेल्थ काहे से, बायो से किया था, अच्छा फिर आप बीएससी क्यों कर रहे हैं, वो मेरा पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, सिर नीचा होगा। तो क्या कोई पाप कर लिया आपने जो आपको सिर नीचा करना पड़े कि पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, पीटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका सिर नीचा हो गया? ये मुझे सबसे ज्यादा दुखदाई लगता था, आज भी लगता है, सिर्फ इस वजह से जो है उन बच्चों के भीतर ये हीनता ना आ जावे और ना ही उन बच्चों के भीतर कि वे कभी ऊंचे नहीं उठ सकते हैं ये बात ना आ जावे, इस बात को दूर करने के लिए और ये मार्ग अपनाना पड़ा कि उन्हें इंस्पायर करें, उन्हें एडमिशन उनके भीतर आए, उनकी प्रशंसा से वे अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सके, उनकी हम पीठ थपथपाएं कि नहीं तुम असफल नहीं हो, और असफल भी हो अगर तो सफलता तुम्हारे लिए हासिल हो सकती है, तुम थोड़े से प्रयत्न करो। आज वर्तमान में हम अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए अगर इस छोटी सी चीज को अपना लें कि मेरे भीतर की कमियों के लिए मुझे दीनहीन होकर बैठ नहीं जाना है, मुझे उन कमियों को दूर करना है और मेरी अच्छाइयों को मुझे और अधिक बढ़ाना है, उनका अहंकार नहीं करना, और आखिरी चीज अच्छाई और बुराई मेरे जीवन में दोनों एक साथ है, क्या करूं, कभी अच्छाई का रेशियो ज्यादा हो जाता है मेरे व्यक्तित्व में, कभी बुराइयां मुझे घेर लेती हैं, इन दोनों के बीच में मुझे जूझना पड़ता है, और बस इतना ही है कि मैं इन दोनों का संतुलन बना करके रखूं, तब फिर मेरा व्यक्तित्व बहुत ऊंचा उठ सकता है। कोई अच्छा ही अच्छा हो तो वो तो सिर्फ भगवान है, और कोई यहां नहीं है जो सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो, कोई सिर्फ बुरा ही बुरा हो ऐसा भी यहां नहीं है। हमारे आचार्य महाराज हमेशा कहा करते हैं
कि भाई किसी गरीब आदमी की झोपड़ी हो चाहे किसी बड़े आदमी का बहुत बड़ा महल हो, लेकिन आने जाने का एक रास्ता तो सबके यहाँ होता है। ठीक ऐसे ही जैसे कि झोपड़ी और हवेली दोनों में एक आने जाने का रास्ता है, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति हो यहाँ पर सबके भीतर एक ना एक गुण तो होता ही है। कोई बुरा ही बुरा हो ऐसा नहीं हो सकता, उसके भीतर एक ना एक अच्छाई है। हमारा काम क्या है, किसी के भीतर एक अच्छाई है तो उसे हम इतना फैला दें कि बाकी शेष बुराइयां उनको जगह ही ना मिले, एक अच्छाई इतनी ज्यादा फैल जाए। अभी तो हमारे साथ मजा ये है कि किसी के भीतर 99 अच्छाइयां हैं और एक बुराई है, तो सिर्फ बुराई को इतना फैलाते हैं कि भी 99 अच्छाइयां भी ढक जाए। ऐसा व्यक्ति कभी अपने व्यक्तित्व को ऊंचा नहीं उठा सकता। जो व्यक्ति अपने बुराइयों को दूर हटाना चाहता है और अपनी अच्छाइयों को बढ़ाना चाहता है, उस व्यक्ति को तो अच्छाई और बुराई सबके भीतर है, ऐसा विचार करके सिर्फ अच्छाई के लिए पीठ थपथपाना अपनी भी और दूसरे की, और जहां कुछ भी अपने भीतर कमी है उसे भी दूर करना, दूसरे के भीतर कमी है तो उसे भी दूर करना। दूसरे की कमी के लिए हम दूसरे को इशारा तो करते हैं कि तुम्हारी ये कमी है, तुमसे ये नहीं होता, लेकिन हम उस कमी को दूर करने के लिए कभी प्रयत्न करते हैं क्या? कभी नहीं करते। कभी हम सहयोग नहीं करते किसी व्यक्ति की, कोई कमी है, कोई कमजोरी समझ में आ रही है, कोई उससे कोई चीज नहीं हो पा रही है, तो उसे हम उलाहना तो देंगे, तुमसे ये नहीं होता, देख लो बने तो होते तुम बहुत व्यवस्थापक, और क्या हो रहा तुमसे, कछु नहीं बन लो, ऐसा कह देंगे, लेकिन उस व्यवस्था को संभाल करके उसकी मदद ना करेंगे, कभी उसकी उस कमी को दूर ना करेंगे हम। ऐसा व्यक्तित्व कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। जो सिर्फ दूसरे की कमी पर उंगली रखना जानता है वो व्यक्तित्व कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। जो अपनी कमियों पर उंगली रखना जानता है और दूसरे की अच्छाइयों के लिए वाहवाही करना जानता है, उसका व्यक्तित्व ऊंचा उठता है। बाकी तो सब संसार में रहने वाले लोग हैं, संसार से पार होने वाले का ये सोच नहीं होता, उसका तो सोच ये होता है कि उंगली मुझे अपनी कमजोरियों पर रखनी है, दूसरे की अच्छाइयों की तरफ इशारा करना है, उसकी बुराइयों पर उंगली नहीं रखनी, तब जाकर के हम अपने जीवन में अच्छाइयों को बढ़ा सकते हैं। दो छोटी छोटी सी घटनाएं बताऊं मैं आपको, शायद समझ में आए बात, और मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, पर 2 मिनट में नहीं हो पाएगा, ईमानदारी से 5-7 मिनट लग जाएंगे। आपको अगर आकुलता हो तो बता दो, तो अपन बंद कर देंगे। नहीं, आपको आकुलता नहीं होगी, वैसे भी संडे है, वैसे भी तो छोटी छोटी सी घटनाएं हैं। हमारे भीतर अच्छाई और बुराई दोनों हैं। अब सवाल यह है कि हम अच्छाई को बाहर आने का कितना मौका देते हैं और बुराइयों को बाहर आने का कितना मौका देते हैं। ऐसे ही दूसरे के भीतर की अच्छाइयों को बाहर आने का कितना मौका देते हैं और दूसरे के भीतर की बुराइयों को बाहर आने का कितना मौका देते हैं। दोनों जगह लगाना पड़ेगा। हम लोग अपनी अच्छाइयों को हमेशा बाहर लाने के लिए उत्सुक रहते हैं और दूसरों की बुराइयों को बाहर लाने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये दोहरा गणित चलता रहता है। जिंदगी का ये दोहरा गणित हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाता। जो गणित मैं अपने साथ लगाता हूं वही दूसरे के साथ लगाऊं। मैं जैसे अपने भीतर की अच्छाइयों को बाहर लाना चाहता हूं, मैं दूसरे के जीवन की अच्छाइयों को भी बाहर ही लाना चाहूं तो मेरा व्यक्तित्व ऊंचा उठेगा। एक कन्हैयालाल निष्प्रभाकर हुए हैं, अब तो नहीं रहे वो, उन्होंने बहुत बढ़िया चिंतन और बहुत बढ़िया अपने विचार दिए हैं, उसमें मैंने पढ़ा। वो लिखते हैं कि मैं अपने मित्र के साथ कोर्ट के काम से और जा रहा था, रास्ते में धूप बहुत थी, सोचा कि तांगा कर लें, पहले लोग तांगे में जाया करते थे, तो तांगा ठहरा लिया। उसने कहा 1.5 रुपए लेंगे कोर्ट तक जाने का, कचहरी में, ठीक है 1.5 रुपए देंगे। और बोले हम दोनों जन जैसे ही कचहरी में तांगे से नीचे उतरे तो मित्र ने तो बिल्कुल तैयार था वो, और आठाने पैसे और रुपया एक साथ 1.5 रुपए उसको दे दिए, और वो तांगे वाला भी भोला भाला प्राणी, उसने बिना देखे गिने पॉकेट में रखे चला गया वो।
अब हमारे मित्र जो थे वो बड़े खुश, कहते चल गई। तो हमने कहा हुआ क्या, अपन तो भी तांगे से नीचे उतरे। तो बोले नहीं, वो खोटी अठन्नी थी चल गई, वो 1 रुपए के साथ निपट के चल गई। बोले मुझे बहुत दुख हुआ कि ये मेरे मित्र इस तरह इनके भीतर की बुराई को ये दूसरे पर इस तरह फेंकते हैं, दूसरे को भी बुरा करने के लिए हम प्रेरित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके साथ जब हम इस तरह का व्यवहार करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को भी हम बुराइयों के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी अच्छाई दूसरे को अच्छाई के लिए प्रेरित कर सकती है। अब जैसा हुआ हुआ, दुखी मन से बोले हमने कोर्ट का काम किया, वापस लौटे, फिर मौका आया कि तांगा कर ले। अब लेकिन आसपास कोई तांगा था नहीं। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो देखा कि एक तांगा आ रहा है, रोका उसको, पास जाके रोक करके देखा, अरे ये तो वही तांगे वाला है। उससे कहा चलो बैठो, अब तो ठहराने की जरूरत भी नहीं है, 1.5 रुपए पहले लिए थे, 1.5 रुपए अभी लेगा, तो कुछ पूछा भी नहीं और बैठ गए। बोले बैठ गए और जब नीचे उतरे तो मित्र के पास अब तो खुली अठन्नी थी नहीं, अब तो 2 रुपए का नोट था। तो 2 रुपए का नोट जैसे ही दिया तो उसने पॉकेट में से निकाल के अठन्नी इनको सौंपी। ये कहने लगे तो खोटी है। बोले साहब आप जैसा आपने दी थी वो ज्यों की त्यों मैंने रख रखी थी, मैंने तो मुझे तो और कोई काम मिला नहीं अभी तक, आप ही बैठे थे पहले और 1.5 रुपए आपसे लिया था मैंने, ये अठन्ने जैसे भी हो आप संभाले। क्या समझ में आया? बुराइयां बाहर फेंकिएगा, बुराइयां ही हमारे पास भी आएंगी। अब जरा सा देख लें कि अच्छाई हम बाहर उद्घाटित करते हैं तो दूसरे को भी हम अच्छा बनने के लिए प्रेरित करते हैं। हो गया आपको, मुझे 25 बरस हो गए, 70 साल के होंगे कम से कम। तो मैं उस समय एक ऐसा हुआ कहता था, एकदम अचानक मुझे वो याद आ गया, केले वाले से केले खरीदना है तो वो जगह फिक्स थी, सब्जी वाले सब्जी खरीदनी वो जगह फिक्स थी। बहुत रेयर केसेस होते थे कि जब मैं कहीं और थोड़ा बहुत घूमूंगा कि अब यहां से ये, वहां से वो, वहां से वो। बाकी लोग मुझे यही कहा करते थे कि ये कोई तरीका सब्जी खरीदने का था, सीधे गए और उसके यहां से खरीदी, और तुम बाजार भी तो देखा करे, 2-4 पैसे का आगे पीछे हिसाब भी तो होता है, कोई सस्ते में देता है, थोड़ा ठहराना चाहिए। मैंने कहा इतना मेरे पास समय भी नहीं रहता है और मैं तो इसमें विश्वास करके और इतनी चीज चाहिए रखो और मैं पैसे दे दूं और आगे बढ़ो। तो उस केले वाले की मैं बात कर रहा था आपसे, मैंने उसको कहा कि केले दे दो 1 रुपए के। वो पुराने जमाने की बात है, थोड़ा पुराना, मेरा जमाना थोड़ा पुराना तो हो गया। और अभी मुझे मालूम पड़ा कि 10 रुपए के 10 मिलते हैं, पहले 1 रुपए के 10 मिलते थे, 1 रुपए का 1 मिलने लगा शायद ना, इतना महंगा हो गया 10 टाइम्स। तो वो 10 मिलते थे। अब वो और भी ग्राहक खड़े थे, वो सब कह रहे थे कि भाई सब लोग 10 दे रहे हैं, तुम तो 8 बता रहे हो। उसने कहा नहीं साहब, 8 से तो ज्यादा नहीं मिलेंगे। और वो उनको बेच रहा था, मैंने उसको कहा कि 1 रुपए की दे दो। बोलता ठहरो बाबू, मैं ठहर गया। वो सब जितने भी ग्राहक थे उन सबको दे दुआ करके और उसने मेरे लिए 10 गिन करके और थैले में रखे। मैंने कहा तो 1.25 रुपए का होगा भैया, 1 रुपए के चाहिए अपने को। बोले बाबू 1 ही लूंगा आपसे। मैंने कहा ऐसा क्यों, वो सब मांग रहे थे और मुझे 10 दे रहे हैं, मैंने तो 1 रुपए के चाहे, 8 मिलते हैं तो 8 दो, 10 मिलते हैं तो 10। बोलते नहीं आपने आज तक कभी, मैंने 1 रुपए के 6 भी दिए 10 नहीं दिए तब भी आपने कुछ नहीं कहा, आज तो मैं आप कुछ भी नहीं कहेंगे तब भी 10 ही दूंगा आपको। ये क्या चीज है? व्यक्ति किसी से कितनी देर तक बेईमानी कर सकता है? मुझे हमेशा लगता था कि मेरे चाराने पैसे आप जिंदगी भर नहीं खा लोगे, मेरे से ज्यादा भी ले लोगे तो आप जिंदगी भर नहीं खा पाओगे मेरे चाराने पैसे। लेकिन हम इस तरह से नेगोशिएशन करके, हम उसको ठहरा करके और बेईमानी करने का मौका देते हैं। वो समझ जाता है कि ये आदमी हमसे ठहरा के बात करता है, तो 1 रुपए की चीज पहले से दे के बचाओ, तब तो धीरे धीरे करके 1 पे आएगा। ये हमने उसे बेईमानी सिखाई। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि असल में हमारे भीतर जो है उसे हम कितना बाहर प्रकट करते हैं, हमारे भीतर की बेईमानी हम बाहर प्रकट करते हैं तो दूसरा भी होशियार है, वो भी हमारे साथ उसी तरह से बेईमानी करता है। हमारा फर्ज है कि हम अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाएं तो हम तो ईमानदारी से पेश आए, सामने वाला कितने दिन तक हमसे बेईमानी करेगा। कन्हैयालाल बिष्ट प्रभाकर ने लिखा कि मैं रोज एक जगह से पान खरीदा करता था
पर कभी ना मैंने पान वाले को पैसे दिए तो उसने गिने, और ना उसने मुझे वापस लौटाए तो मैंने कभी गिने। और ये रोज चलता था। और उस दिन बोले मैंने 1 रुपये दिया उसको और 12 आने पैसे, 4 आने का तूफान आया, 12 आने पैसे उसने मुझे लौटाए, और मैं अभी 10 कदम बढ़ा था और उसने कहा कि बाबूजी इधर आना। मैंने सोचा कि शायद धोखे से और ज्यादा पैसे इसके चले गए होंगे। मैंने पूरे के पूरे जेब में से बोले ले देना पैसे आपको जो मैंने दिए थे। तो बोले मुझे करना क्या था, मैंने पूरे पॉकेट में हाथ डाले, जितने पैसे थे बाहर निकाल दिए। उसने उस पैसे में से और वो 8 आने पैसे निकाल लिए। 8 आने पैसे निकाल करके अपनी पेटी में डाले, दूसरे 8 आने पैसे मुझे दिए। मैंने कहा हुआ क्या? तो बोलता साहब धोखे से आपके लिए 8 आने पैसे खोटे चले गए थे। पर आपने आज तक कभी भी मैंने देखा कि जो मैंने वापिस पैसे दिए कभी गिने भी नहीं, कभी देखे भी नहीं और चुपचाप पॉकेट में रख लिए। कम से कम आपके साथ तो बेईमानी नहीं कर सकता। और दूसरे लोग जो मुझ पर अविश्वास करते हैं और मुझे बेईमान मान करके और मेरे साथ वैसा बिहेव करते हैं, उनके साथ मैं भी पूरी आराम से बेईमानी करता हूं, लेकिन आपने मुझ पर विश्वास किया और कभी मेरे साथ बेईमानी नहीं की, मैं आपके साथ कैसे कर सकता? ये छोटी छोटी सी घटनाएं हैं। मुझे लगता है कि हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं सैकड़ों घटित होती हैं। हम चाहें तो उनसे शिक्षा लें और देखें कि सबके भीतर अच्छाई और बुराई है, हमारे सब हमारे भीतर भी है, लेकिन हमें हमेशा दूसरे की अच्छाई को हमेशा सम्मान देना चाहिए और अपने भीतर की बुराई को धीरे धीरे निकालते रहने के लिए प्रयत्न करते रहें तो हमारा व्यक्तित्व सचमुच बहुत ऊंचा उठ सकता है। इसी भावना के साथ कि हम सब ये जो एक जीवन मिला है उसमें अपने जीवन को और बेहतर ढंग से जी करके अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाएं, इसी भावना के साथ आज अपन नमस्कार करते हैं और भावना बांटते हैं कि हमें ऐसी सद्बुद्धि मिले कि हमारा जीवन अच्छा बना सके हम।